नमस्ते दोस्तों, मैं मनु श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है बातों बातों में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिसने अभिनय की सभी विधाओं में पारंगत हासिल की है, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, थिएटर हो या रेडियो। दोस्तों, वो तंत्र स्पेशलिस्ट हैं और अभिनय योगा मेथोडोलॉजी के जनक हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ललित परिमोजी का। सर, स्टूडियो में आपका स्वागत। सर, आपने अभिनय में इतना काम किया है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, शुरुआत तो कोई भी व्यक्ति अपने करियर की उसी उम्र में करता है जिस उम्र में करनी चाहिए जी। तो वो उम्र मेरे हिसाब से मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली में 11th और 12th क्लास की ही उम्र होती है जी। तो मेरे जीवन में भी वही बात थी। 10th करने के बाद मैं अपने बारे में बात बताऊं तो मेरी पढ़ाई लिखाई, शुरू की पढ़ाई लिखाई कश्मीर में हुई है जी। और हम एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स या सभी बच्चे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या आईएएस की दुनिया इसी को टारगेट करके चलते हैं जी। मेरे आसपास भी सभी लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनने का ही सपना देखे आगे बढ़ रहे थे। बट मेरे जीवन में 10th के बाद एक तब्दीली आई 11th और 12th के दौरान जी। तो वो तब्दीली इतनी ज़बरदस्त थी कि उस वक्त तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है जी। लेकिन मैं कला की तरफ आकर्षित हो रहा था, ड्रामा, सिनेमा, नृत्य, संगीत, इवन पेंटिंग्स, ये मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। ये क्या 10th और 12th के दौरान? 11th 12th जी। हाँ, तो साइंस पढ़ने का मन नहीं कर रहा था जी। और भविष्य में इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की तरफ जाने की कोई इच्छा भी नहीं थी जी। जबकि मैं अपने क्लास में वन ऑफ द बेस्ट 4 स्टूडेंट्स में हमेशा गिना जाता था और आता भी था जी। नंबर के माध्यम क्या बात है जी। तो 11th 12th में जब ये चेंज आया तब चिंतन शुरू हुआ कि करें क्या जी। तो ये समझ में आया कि पहले थिएटर से शुरू की जाए। मन में ये तय हो गया कि एक्टिंग की विधा में आगे बढ़ना है। तो जो भी हमारे पास मैगजीन्स या दूसरी चीज़ें थी जहाँ से हम अपने से सीनियर एक्टर्स को जी के जर्नी को पढ़ते थे, तो ये समझ में आया कि एक्टर बनने के लिए पहले थिएटर की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, कश्मीर में थिएटर अच्छे से होता है आज की डेट में? आज की डेट तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले की। तो तब भी बहुत अच्छे से तो नहीं होता था, लेकिन थिएटर था वहाँ पर। अच्छा। और अधिकतर थिएटर ग्रुप्स कश्मीरी भाषा में करते थे। अच्छा। मेरी अपनी कश्मीरी भाषा थोड़ी कमजोर थी जी। तो मैं हिंदी थिएटर ढूंढ रहा था जी। तो ये समझ में आया कि अगर अच्छे से हिंदी थिएटर करना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा जी। तो प्लान यही बनाया कि प्लस टू करूँ, प्लस टू खत्म करके दिल्ली चला जाऊँ, और वही किया मैंने। मैं 82 में कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट हुआ जी। और मैंने फॉरन एक कॉलेज में आर्ट्स के क्षेत्र में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया, साइंस छोड़ दिया। उसके पीछे भी वजह ये थी कि क्लासेस मुझे कम करनी पड़ेंगी, टाइम में थिएटर में ज़्यादा दे पाऊँगा। तो वही हुआ, मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाता था, 1 बजे तक क्लासेस खत्म होती थी, उसके बाद कॉलेज का थिएटर ज्वाइन किया जी। फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल थिएटर की तरफ रुख किया जी। जो दिल्ली में NSD या दूसरे थिएटर के लोग काम करते थे, मंडी हाउस नाम के एरिया में, तो ऐसे सफर शुरू हुआ। तो सर, मंडी हाउस में आप किस थिएटर ग्रुप से जुड़े थे? मैं हमेशा अलग अलग थिएटर ग्रुप से जुड़ा रहा और अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करता रहा। अच्छा। अधिकतर लोग NSD के पास आउट लोग थे जी। तो सर, मंडी हाउस में आप किन थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़े थे? देखिए, उस वक्त जितने भी फ्रीलांस डायरेक्टर्स थे जो अधिकतर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट ही थे जी, और अच्छे से हिंदी थिएटर कर रहे थे जी, तो मैं लगभग सभी के साथ काम करता रहा एक फ्रीलांस एक्टर के रूप में। और उस दौरान मैं कहूँ तो 1983 से लेके 88 तक जी, ये 5 साल जी, मैंने बहुत सिंसेयरली थिएटर में काम किया जी। तो पहले जो कश्मीर में रहते हुए एक्टिंग के प्रति एक दृष्टि थी, वो दृष्टि धीरे धीरे बदलने लगी। ये समझ में आना शुरू हुआ कि थिएटर ही अपने आप में कितना वास्ट है जी, और ऑल ओवर वर्ल्ड थिएटर में कितना काम हुआ है जी। स्टैनिस्लावस्की का सिस्टम हो जी, भारत का संस्कृत ड्रामा नाट्य शास्त्र हो जी, फिर ब्रेक्थ का ड्रामा हो जी, फिर ग्रीक ड्रामा हो जी, फिर मॉडर्न थिएटर हो जी,
तो पढ़ने पढ़ने के लिए सीखने के लिए तो बहुत कुछ था जी, और एक अंतहीन मैटर था सीखने के लिए। बट मेरी मेरा फोकस जो शुद्ध अभिनय पे ही रहा, तो मैं उसी पर फोकस करता रहा जी। और इन 5-6 वर्षों में मैंने 30 और 40 के करीब नाटकों में बतौर एक्टर काम किया थी। और ये बात सभी जानते हैं कि थिएटर का एक्टर जी अपनी आजीविका ठीक से चला नहीं सकता जी, ये दुखद बात है पूरे देश के लिए। सर तो ये सिलसिला आपका 1988 तक चलता रहा? हाँ, 1988 तक जी ऐसा ही था जी। और उसके बाद लकीली वो दौर ऐसा था कि जब टेलीविजन में प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की एंट्री शुरू हो गई थी जी, प्राइवेट टेलीविजन शुरू नहीं हुआ था जी, लेकिन स्पॉन्सर्ड शो के प्राइवेट प्रोड्यूसर्स शुरू हो गए थे, जिसकी शुरुआत हम लोग से हुई थी। हम लोग नाम के सीरियल 84-85 में ही हुआ था जी, और तभी बहुत सारे सीरियल्स में मैंने भी काम करना शुरू किया, जिसमें शुरुआती दौर में पुलिस फाइल से हिमालय दर्शन, स्पेस सिटी सिग्मा, मैला आंचल, तुम्हारे लिए कभी नहीं, इस तरह के ढेर सारे 13-13 एपिसोड के धारावाहिक और कुछ अच्छी टेलीफिल्म्स। तो ये काम मेरा दिल्ली में 92 तक चलता रहा जी, और साथ ही साथ मैं लगातार रेडियो में भी काम करता रहा। मैंने अपने दिल्ली के 8-9 वर्ष के दौरान 300 के लगभग नाटकों में काम किया होगा रेडियो 300 के। जी जी जी। और फिर जैसा कि एक एक्टर की डिज़ायर होती है जी कि आप मुंबई में अपने अपना रुख करें जी, तो 92 में मैंने दिल्ली से मुंबई की ओर रुख किया, डेफिनेटली फॉर बेटर वर्क एंड वाइडर वर्क। और ये भी चांस की बात है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने सारी विधाओं में काम किया, मतलब आपने थिएटर किया, आपने रेडियो किया, रेडियो में भी नाटक किया आपने, फिर आप टेलीविजन में गए, फिर फिल्म में गए, तो सर इन चारों विधाओं में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है जी, ये तो टीचर के लायक सवाल है सर, उस पे भी आएंगे। हाँ, कि एक्चुअली मैं टीचिंग कर ही रहा हूँ पिछले कई सालों से जी। देखिए मूल चीज तो एक ही है जी, अभिनय की जो मूल और मौलिक रिक्वायरमेंट है जिसे हम टूल्स कहते हैं जी, जैसे एक पेंटर का टूल है कि आपको ब्रश चाहिए, कलर चाहिए, वैसे ही एक्टर के फंडामेंटल टूल है, उसमें बॉडी, वॉइस और इमोशंस जी, इन तीनों का समावेश है, बॉडी, वॉइस और इमोशंस जी, है ना। अब रेडियो ही एक ऐसी विधा है जिसमें बॉडी को लेके आप दिखाई नहीं देते जी, जी, तो वहाँ कम्प्लीटली वॉइस पर ही काम किया जाता है जी, जी, तो सारे भाव, सारे रंग, सारे चरित्र आपको जी वॉइस से ही प्ले करना पड़ता है। बाकी थिएटर में तो बॉडी एकदम अच्छे से दिखता है और चाहिए, टेलीविजन में भी और सिनेमा में भी, तो थोड़ा थोड़ा टेक्निक का फर्क है जी, बाकी और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एक बार कोई अभिनय को ठीक से सीख ले, समझ ले, वो चारों विधाओं में अच्छे से काम कर सकता है, सिर्फ थोड़ी टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखना है। थिएटर में सबसे बड़ी चीज़ है प्रोजेक्शन जी, सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे पूरे जिंदा दिखाई देते हैं जी, आपके शरीर का एक अंग जी अभिनय करे, यही अच्छा अभिनय कहलाता है। टेलीविजन में रिक्वायरमेंट है क्लोजअप और ओवर द शोल्डर शॉट्स की, तो उसमें थोड़ा सा आदमी लेस एक्टिंग भी करे तो अच्छे से चल जाता है जी। सिनेमा में भी कम अभिनय करे लेकिन आत्मा से अभिनय करे तो ज़्यादा सार्थक हो जाता है जी। वहाँ पर आप अपनी लाउडनेस को या प्रोजेक्शन को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत रियलिस्टिक या नेचुरलिस्टिक दायरे में अभिनय करें जी तो अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निक का ध्यान देना। चलिए सर, आत्मा की आपने बात की, आध्यात्म की बात, हम लोग आपके बारे में सुनते रहते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक्टर ललित परिमो से आचार्य ललित परिमो का सफर कैसा रहा और कैसे शुरू हुआ सर ये सब कुछ? हाँ, ये मेरे जीवन में एक अलग पैरेलल जर्नी है जी, जैसे कि होता है जी। अभिनय के क्षेत्र में काम करते करते मेरे मन में अध्यात्म की ओर रुझान जी एक खास उम्र में शुरू हुआ जी। तो वो वक्त था 90-91-92 का, मतलब मेरी उम्र कभी 26-27 साल की होगी जी। और उसके वजह भी थे, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में थे जो बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है जी, जो इनसिक्योर प्रोफेशन है जी, जिसमें कुछ फिक्स नहीं है जी, और जीवन थोड़ा सा
क्या कहते हैं उतार चढ़ाव बहुत है, थोड़ा मनमौजी भी है, आपको काम करने का मन नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते, अगर आपके पास रुपए पैसे का इंतजाम ठीक है जी, तो आप जो काम नहीं करना चाहते नहीं कर सकते, मजबूर नहीं है। लेकिन कई बार आप मजबूर हैं, आपके पास रुपए पैसे की तंगी है, तो आपको जो असाइनमेंट मिल रहा है आपको कर लेना पड़ता है रुपए पैसे के लिए। तो इस तरह का जो एक इनसिक्योर जीवन है इसने मेरे मन में कुछ इस तरह के विचार को जन्म दिया जिनको हम पॉइंट वाइज कह सकते हैं कि मैं कौन हूँ जी, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया, क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, क्या जीवन ऐसे ही सुख दुख में चलता रहेगा। ये जो आज मैं कह सकता हूँ एक मैच्योर अवस्था में एक फंडामेंटल स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है, तब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इन सवालों से क्यों ग्रसित हूँ। मतलब प्रश्नों की गहमा गहमी, खुद के साथ, जिसने मेरे रातों की नींद हराम कर दी, ऐसा जीवन में बेचैन हो गया जी, मतलब जीवन एक तरह से अर्थहीन लग रहा था जी। अब यही मेरी जीवन की दशा थी, और मैं आपको थोड़ी फिल्मी बात बताता हूँ। ऐसे में हुआ ये कि मैं एक शूट के दौरान मैं सो जा रहा था, ट्रेन से ही जा रहा था जी, और रास्ते में एक स्टेशन पे उतरा, तो किताबें पढ़ने का तो शौक शुरू से ही रहा है, तब तो अक्सर सिनेमा की किताब या साहित्य की किताबें पढ़ा करते थे जी, कोई अच्छा साहित्य। तो वहाँ एक जो ये रेलवे की दुकानें होती ना, बुक स्टॉल छोटी छोटी, तो वहाँ पे चार पुस्तकों में नजर गई विवेकानंद की, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, प्रेम योग, राजयोग जी। तो मैंने सोचा चलो देखता हूँ क्या है ये, तो 25 रुपए की चारों किताबें मिल गई सस्ती में। हाँ ये जी। तो जब उनको पढ़ना शुरू हुआ तो दिमाग खुलने लगा कि ये विवेकानंद साहब क्या बातें कह रहे हैं जी, आत्मा परमात्मा उपनिषद वेद वेदांत, इसने मेरे सामने एक नई दुनिया खोल दी। तो यहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई जिसे मैं अपने धर्म की यात्रा कहता हूँ, और यहाँ से ये पठन पाठन का सिलसिला शुरू हुआ कि वेद वेदांत उपनिषद भगवद गीता इनका एक सीरियस रूप से स्टडी शुरू हुआ। स्टडी के बाद ये लगा कि बगैर टीचर के या बगैर दीक्षा के या बगैर किसी ऐसे गुरु को से मिले या उनसे साधना सीखे, आपके अपने निजी जीवन में ये अनुभूतियाँ कभी नहीं हो सकती जी। आत्मा की चर्चा आप करते रहें, पुस्तकें आप पढ़ते रहें, लेकिन आत्मज्ञान जैसा तभी होगा जब आप प्रैक्टिकली कुछ करें, वैसे ही जैसे अभिनय में है, सही बात, फिल्में कितना ही देखते रहो आप फिल्मों के इन्फॉर्मर बन सकते हैं, आपके पास सूचनाएं इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन आप खुद अभिनेता या कैमरामैन या राइटर या डायरेक्टर कैसे बनेंगे जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे। तो सर आपकी उपस्थिति में और फैटल फिल्म की तरफ से हम रामकृष्ण मिशन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो ये किताबें बहुत कम पैसों में हमारे दर्शकों तक और हम तक उपलब्ध कराती है। सर अभी विवेकानंद की बात चल रही थी, हाँ, तो और कौन से गुरुओं ने आपके जीवन को प्रभावित किया वो भी हम जानना चाहेंगे जी। जी तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ जी, जैसे थिएटर से अभिनय शुरू हुआ जी, वैसे यहाँ से योग धर्म और अध्यात्म की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद मैंने एक मिशन बना लिया जी, भारत में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जी, जितने भी धर्म गुरु हैं उन सब का विधिवत अध्ययन और उनके सिस्टम्स को फॉलो करना शुरू किया जी। उसमें जय कृष्णमूर्ति भी आते हैं जी, उसमें आचार्य रजनीश भी आते हैं जी, उसमें योग के बहुत सारे संस्थाएं हैं, मुंबई में एक चर्चित संस्था है योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज में जी, सांता क्रूज की हां जी, उसके अलावा अरविंद घोष की संस्था है, और उसके अलावा एक बहुत चर्चित संस्था है या थोड़ी सी अनपॉपुलर संस्था है आनंद मार्ग, आनंद मार्ग जी जी, उनके गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं जी। तो इन सब के जगह से मैंने साधना संबंधित इवन बीच में विपश्यना का भी कार्य और विपश्यना, तो जितना एक इजीली बगैर जंगलों में जाए, हमने सुना साधना सीखने के लिए जंगल जाना पड़ता है, लेकिन मुझे जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बम्बई में रहते रहते सारी चीजें सीखी और पाई, क्योंकि बम्बई में भी सब अवेलेबल है। मजेदार बात यही है कि बॉम्बे में भी सब अवेलेबल है। कई बार मैं जब बहुत ज्यादा सीरियसली इन चीजों को करता था तो मेरे दोस्त कहते थे तो मुंबई में फिल्में करने आए हो या योग साधना सीखने आए हो। चलिए सर अगला सवाल आपसे कुछ ऐसे ही है, बातों बातों में सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभिनय से योग का जो आपका सफर है उसने आपको एक नई पद्धति दी जिसके लिए आप जाने जाते हैं अभिनय योगा जी। तो सर ये अभिनय योगा क्या है? हाँ अभिनय योग मेरे जीवन में एक खोज या एक रिसर्च वर्क करते करते एक जो पड़ाव आ जाता है उस तरह से आया है, एक डिस्कवरी हुई है। वो हुआ ऐसे कि योग के रास्ते में बहुत सिंसियरली चलते चलते मैंने बहुत सी योग की
कुछ चीज़ें पाई जिसे हम साधना जगत में समाधियों की अनुभूति कहते हैं, और उस चेतना से संपर्क हुआ जिस चेतना की खोज में एक धार्मिक मनुष्य जीवन भर मेहनत करता रहता है। तो वहीं से ये विचार भी जन्म लिया कि योगी और अभिनय का कार्य कहीं कहीं समानांतर है। मैं इसको अगर टेक्निकली कहूँ तो जैसे हम अष्टांग योग की बात करते हैं, 8 स्टेप्स हैं अष्टांग योग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो इन 8 को लेकर एक साधक का जीवन चलता है। अब देखिए मज़ेदार बात यह है कि आसन प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा जैसी जैसे जो स्टेप्स हैं वो अभिनेता और अभिनय के कार्य में सहज रूप से हो ही जाता है। आसन के जरिए हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल या एक तंदुरुस्त बनाते हैं, अभिनेता को भी अपने शरीर पर काम करना पड़ता है शरीर को फिट रखने के लिए, और शरीर फ्लेक्सिबल हो और अच्छे से कम्युनिकेट करे, इसीलिए एक्टर की ट्रेनिंग में भी योगासन का बड़ा महत्व है। प्राणायाम आपके वॉइस को कल्चर करता है, प्राणायाम के जरिए आप अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखते हैं, और एक्टर की लाइफ में स्पीच के लिए वॉइस को बेटर बनाने के लिए ब्रेथ का इस्तेमाल और ब्रेथ की अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। फिर उसी तरह प्रत्याहार, प्रत्याहार एक ऐसा सिस्टम है या विधि है योग में जिसमें मन जो साधारण रूप से बाहर भागता है, इंद्रियों की मदद से मन अक्सर बाहर की तरफ जाता है, हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, बाहर के वस्तुओं की तरफ हमारा ध्यान जाता है। इसी जर्नी को योग में रिवर्स किया जाता है जिसे हम अंतर यात्रा कहते हैं, आंतरिक जगत की ओर मूवमेंट। तो ये जो अंतर जगत की ओर मूवमेंट है योग में इसका नाम प्रत्याहार है। यही प्रत्याहार अभिनेता अपने कार्य के द्वारा करता है। अभिनय का जो काम है कैरेक्टर प्ले करना, जो एक स्क्रिप्ट में लिखा है उसमें सीन्स हैं, सीन्स में लाइनें हैं या मोनोलॉग है, एक्टर अपने शरीर मन वॉइस इमोशंस की मदद लेके उन लाइन्स को याद करता है, उस कैरेक्टर में ढलने की कोशिश करता है। ये अपने आप में प्रत्याहार की विधि, फोकस प्रत्याहार। और जब उस पर उसके आगे बढ़ता है तो योग में जो विधि धारणा कहलाती है, धारणा का मतलब किसी विषय पर मन को केंद्रित करना और उस विषय से भटकना नहीं। तो अभिनेता अपने लाइंस पे, अपने चरित्र पे, अपने इमोशंस पर मन को केंद्रित करता है, तो ये एक प्रकार की धारणा हुई जी। तो इस तरह से मन फोकस्ड हो जाता है, एक इंटेंस कॉन्सेंट्रेटेड कैप्सूल बन जाता है जी। तो अपने आप में ये एक योग की क्रिया है जी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि अभिनय के प्रशिक्षण को अगर थोड़ा योगिक विधि से चले हैं तो योग की भी क्रियाएं वो सीख सकता है और उसका अभिनय का कार्य भी हो सकता है जी। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अभिनय योग का है वो है अपने भावनाओं को, खासकर नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में ट्रांसफॉर्म करना या चैनलाइज करना। कैसे? इन्हीं मोनोलॉग्स के जरिए। तो मैंने वो मोनोलॉग्स को बाकायदा लिखा जी, जो मैंने अध्यात्म में या धर्म में स्टडी करके पाया कि हमारे अंदर जो असुर शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से हम पतित होते हैं जी, और हमारे अंदर जो देव शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से हम ऊपर उठते हैं, इन दोनों में लगातार एक स्ट्रगल एक संग्राम चलता रहता है। और धर्म का काम यही है कि हम अपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करें, और यही काम हम अभिनय क्रिया से कर सकते हैं। तो यही रिसर्च वर्क अभिनय योग कहला है। तो मैंने इस सिस्टम में जो हमारा नेगेटिव वर्ल्ड है उसको धर्म के शास्त्रों से हेल्प लेके, नाम है उसका षड्रिपु और अष्टपाश। ये षड्रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य षड्रिपु कहलाते हैं जी, और अष्टपाश घृणा शंका भय लज्जा कुल शील मान और जुगुप्सा, ये हमारे बंधन है। हम जो मानसिक रूप से त्रस्त रहते हैं वो इन्हीं असुरों की वजह से, तो इनका रेचन होना, इनको ट्रांसफॉर्म करना धर्म का मुख्य कार्य है। कोई भी धर्म ले लो उसका फंडामेंटल, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, हम लगातार शुभ और अशुभ के संग्राम की बात करते हैं जी, एंजल्स और डिमन्स की बात करते हैं जी, या भारतीय कल्चर में देव और असुर के संग्राम की बात करते हैं जी। तो उसी संग्राम में अभिनय
बहुत सहायक हो सकता है, ये अभिनय योग के जरिए मैं कहना चाहता हूँ। हाँ तो सर, ये बातें हो गई अभिनय योगा की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, फिल्मों में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने सबसे पहले फिल्म की यात्रा तो मेरी दिल्ली से ही शुरू हुई थी जी। निर्माण नाम की एक फिल्म थी 1987। अच्छा। तब मैं थिएटर ही करता था। उसके बाद आला उधर नाम की एक फिल्म थी, वो 1990 में बनी थी, वो भी मिस्टर अरुण जेटली ने बनाई थी जी। फिर मैंने गोविंद जी के साथ एक फिल्म की थी 96 में, संशोधन, वो एक NRTC की फिल्म थी। तो ऐसी ही फिल्में चलती रही, फिर हैदर, मुबारक, व्हाट विल पीपल से, पंचलैट जी, ये सब फिल्में करता रहा। और इस दौरान टेलीविजन का नाम तो चलता ही रहा जो भी, जैसा कहा जाता है एक्टर्स की दुनिया में, थिएटर में ट्रेनिंग होती है, टेलीविजन में नौकरी होती है जी, फिल्म्स का पैशन। तो चलिए सर, फिल्मों की बातें हुई और आपने इतनी विधाओं में काम किया, और अक्सर आप ललित एक्टर से आचार्य ललित भी बने, ये सारा दौर रहा सर, खाली समय में आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, क्या करना आपको पसंद है? हर दौर में अलग अलग तरीकों से मैंने अपना खाली समय बिताया है। जब वो खाली तो रहा है तो भर गया जी। तो शुरुआती दौर में अगर मैं कहूँ 18 से 25 वर्ष की आयु तक मेरा खाली समय या जो भी समय बचता था भाग दौड़ से या प्रैक्टिकल थिएटर की रिहर्सल से, वो अध्ययन में ही गया, जिसमें मैंने थिएटर का स्टडी जी, सिनेमा का स्टडी, आर्ट्स की स्टडी जी, साहित्य का अध्ययन, भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य, ये सब उसी में। उसके बाद जो अगला दौर जिसमें रुचि धर्म की तरफ गई, तो फिर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन जी, जितने भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं उन सब का पठन पाठन इसमें गया। उसके बाद जब एक संस्था से जुड़ के मैं साधना में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुआ जी, तो खाली समय में उस संस्था के लिए सेवा के काम और साधना के काम। तो सर उस संस्था का क्या नाम था? उसके कई ब्रांचेस थे, तो मुख्य नाम सेवा धर्म मिशन से वो काम करते थे। सेवा धर्म मिशन जी। और उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आनंद मार्ग प्रचारक संघ है जी। उसके अलावा उनका एक आर्ट से जुड़ा हुआ भी एक विंग रहा है। अच्छा। रावा के नाम से, रावा RAWA जी, रेनेसा ऑफ आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स एसोसिएशन जी। तो वो उसमें भी मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो खाली समय में इस तरह की सेवा के काम में करता रहा। उसके बाद 2007-08 से जब मैंने मेरे अंदर से अभिनय योग निकला जी, तो अभिनय योग को प्रचार करने के लिए मैंने अपनी एक छोटी सी संस्था बनाई जिसका नाम है नट समाज। नट समाज जी जी जी। मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे बहुत साल पहले ब्रह्मो समाज जी 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 या ऐसे कई समाजों की स्थापना हुई है जी, तो मुझे लगा कि नटों को वापस एकत्रित करके कार्य करना चाहिए जी जी। एक समय तो था कि नट समाज एक अलग समाज था, आज से 2500-3000 साल पहले जब भारत की एक खास सभ्यता थी जी, तो कलाकारों को मेन सोसाइटी से अलग ही रखा गया था जी। आज 2500 साल हो चुके हैं और हम कलाकार मेन सोसाइटी के साथ जैसे गड्ढमट करके मिलजुल के रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी धारणा है कि कलाकार तबीयत एक अलग तबीयत की है जी जी, और वो अपने मिजाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता जी, उसका मन ज़्यादा व्यावसायिक या दूसरा होता नहीं, नहीं। जी। तो इसीलिए अगर एक लूज सोसाइटी टाइप की बन जाए जी जी, जिसे हम नट समाज कहें जी, ताकि सभी नट, हर प्रकार के नट एक छत्र छाया के नीचे आके अपने सुख दुख बांटें और अपना शेयरिंग करें, एक दूसरे से मदद भी लें, अपने काम को आगे बढ़ाने में सपोर्ट भी लें। सर बहुत अच्छी सोच है आपकी जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं एक अच्छा अभिनेता एक अच्छा दर्शक भी होता है, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? हर दृष्टि से जो अच्छी फिल्म हो जी। अब अच्छी फिल्म किसे कहेंगे, अच्छी कहानी हो, अच्छा निर्देशन हो, टेक्निकली अच्छी फिल्म हो। अभी कल ही मैंने अक्टूबर देखी जी, एक बहुत अच्छी फिल्म जी, डेफिनेटली रंग दे बसंती एक बहुत अच्छी फिल्म है, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी हुई फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म है। तो अच्छी फिल्म और अच्छी कहानी हम किसे कहेंगे, तो मेरी नज़र में सिर्फ एंटरटेनमेंट न हो बल्कि एंटरटेनमेंट से कहीं ऊपर उठ के वो हमारे अचेतन को टच करता हो जी, हमारे नोबल सेंटिमेंट्स को जगाता हो जी, हमारे भीतर जो शुभ है, अगेन सकारात्मक नकारात्मक की बात आती है, हमारे अंदर जो देव शक्ति है उसको थोड़ा सा
गुदगुदाता हूँ उसको कहीं स्पर्श करता हूँ, इस तरह की बात जो फिल्म कहे उसको मैं हमेशा पसंद करता हूँ। इंस्पिरेशनल म्यूजिक, फिल्म का मतलब ही जो ये फिल्म ड्रामा से आया है, ड्रामा फाइन आर्ट से आया है, तो फाइन आर्ट का ही मकसद है आपको इंस्पायर। जीवन में कष्ट दुख मुसीबतें तो आती रहती हैं, लेकिन आर्ट के माध्यम से अब हम उन दुखों को भुलाकर फिर से आशा से जीवन जीने की एक शक्ति पाते हैं। तो वो शक्ति अगर फिल्मों से मिलती है फिर से जीने की, फिर से आशान्वित होने की, फिर से नया कुछ करने की, तो वो फिल्में हमेशा कालजयी फिल्में और हमेशा पसंद की जाएंगी। सर एक दो फिल्मों के नाम बताएं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। देखिए आपने पूछा और मेरे मन में जो फिल्म आ रही है वो है दो आंखें बारह। अच्छा, दो आंखें बारह। जी जी, आपने देखी है? नहीं सर। अरे आपकी जनरेशन ने ये फिल्म नहीं देखी तो ये फिल्म देखनी चाहिए। दो आंखें बारह हाथ एक बहुत अच्छी फिल्म है जी, और इसको देखिए जरूर। अच्छी जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने फिल्मों की बात हो गई, आप अभिनय गुरु भी हैं, आप अभिनेता भी हैं, सर कौन सा अभिनेता आपको सबसे ज्यादा पसंद है? भारत के, पहले भारत के परिप्रेक्ष्य बात करते हैं फिर हम हॉलीवुड पे भी जाएंगे। कठिन प्रश्न है चूंकि इसको पकड़ो तो वो छूट जाएगा। नहीं सर, आप एक से ज्यादा। एक से ज्यादा उदाहरण दें तो मोतीलाल साहब से शुरू करना चाहूँगा जी। मोतीलाल साहब, दिलीप साहब जी, बलराज साहनी जी, संजीव कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, आप किसी को छोड़ने नहीं वाले सर। जिन्होंने अच्छा काम किया जी, जो इंस्पायर करते हैं जी। इसके अलावा भी बहुत ऐसे नाम हैं थिएटर के भी जो लोग जानते नहीं जी। तो ऐसे भी नाम सर थिएटर, थिएटर के मनोहर सिंह एक बहुत अच्छे कलाकार रहे जी, जी। उन्हें लोग जानते नहीं है। हाल ही में इरफान ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई है अपने अभिनय से जी। जी हाँ, पश्चिम में देखें तो मैं प्रशंसक और मैं इंस्पायर हुआ हूँ जॉन गिलवुड से भी जी, लॉरेंस ओलिवियर से भी जी, रैल्फ रिचर्डसन से भी जी, अल पचिनो से भी जी, रॉबर्ट डी नीरो से भी जी, डस्टिन हॉफमैन से भी जी, और आपकी फेहरिस्त बहुत लंबी है सर। आप किसी को छोड़ना नहीं चाहते सर। जहाँ जहाँ सीखने को कुछ भी मिला जी जी, आप सीखते गए, वो इंस्पिरेशन और वो नाम जी जरूरी है सर। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं सर, अभिनेता बनने के लिए ट्रेनिंग और थिएटर ये कितना आवश्यक है, हम आपके मुखारविंद से जानना चाहेंगे। देखिए ये बात तो मैं अपने क्लासेस में कहता ही हूँ, चूँकि पिछले 8-10 वर्षों से मैं लगातार अपने खाली समय में एक्टिंग क्लासेस, एक्टिंग वर्कशॉप चलाता हूँ, कुछ कुछ थिएटर भी करता और कराता हूँ, तो नए लोगों से और यूथ से संपर्क होता ही है। बहुत लोग ऐसे आते हैं जो गुमराह हो चुके हैं और गुमराह होने के लिए ही यहाँ आए हैं, ये एक दुखद अवस्था है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिंसियरली करियर बनाना चाहते हैं जी जी, तो जो सिंसियर होते हैं उन्हें ट्रेनिंग की तो जरूरत है ही जी। उसमें थिएटर ट्रेनिंग बेस्ट है, चाहे आप एक वर्ष करें, दो वर्ष करें, चार नाटक करें, पांच करें, दो ही करें, 8-10 करें, जरूरी है जी, क्योंकि वो आपको ओपन अप कर देता है, आपके इनहिबिशंस को हटा देता है जी। या कुछ अच्छी एक्टिंग वर्कशॉप्स करें जी, ये जरूरी है। उसके अलावा अगर करियर बनाना है इसमें तो एक दीवानगी और एक पागलपन की जरूरत है जी। वो दीवानगी ये है कि मुझे इसी क्षेत्र में रहना है और मैं इसी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाऊंगा जी, चाहे मुझे 10 साल लगे, चाहे मुझे 20 साल लगे, चाहे मैं मर जाऊं, मैंने अपने आप को इस विधा के लिए समर्पित कर दिया है। आप जब ये की बात हाँ करियर की बात करें, जब ये भावना आती है वही व्यक्ति करियर बना सकता है जी। और उसमें जो नेगेटिव काम, नेगेटिव बात होती है जी। या मैं कहता हूँ कई बार नेगेटिविटी भी पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव क्या होती कि आदमी ये कहे या वो स्टूडेंट ये सोचे कि मैं नौकरी नहीं करूँगा जी, जी। जो व्यक्ति नौकरी के लिए बन जाता है वो एक्टर बन नहीं पाता जी। या जो लोग नौकरी करते हुए एक्टिंग करते हैं एक उम्र के बाद, एक वक्त के बाद नौकरियाँ छोड़ देते हैं जी। तो मानसिकता से देखा जाए तो जो नौकरी के लिए बना नहीं है वो इस विधा में जा सकता है, और शुरुआती दौर में एक्टर वही बन सकता है। ये पागलपन या दीवानगी उसी में आती है जो स्वयं से अभिभूत हो जी, स्वयं से गहरा प्रेम हो जी।
जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं नार्सिसिज्म। जी, नार्सिसिस्ट होना या स्वयं से आकर्षित होना, जी, ये बहुत जरूरी है अभिनेता के लिए, क्योंकि अभिनेता जो शुरू के दौर में प्रेम करता है वो अपने आप से ही प्रेम है। जी, अपना शरीर, अपनी वॉइस, अपनी अदाकारी, अपनी बातें, अपना सब कुछ। सर, ये बातें हुई मनोविज्ञान की, और एक अभिनेता की सोच क्या होनी चाहिए इस पर हमने बात की। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे एक अभिनेता का डेली रूटीन, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। उसकी दिनचर्या में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जी, पहला डिसिप्लिन ये है अपने ऊपर काम करना, जी, अपने इंस्ट्रूमेंट पे काम करना, जो इंस्ट्रूमेंट उसका बॉडी है, वॉइस है, इमोशंस है। तो एक घंटा सुबह, एक घंटा शाम वो इस अपने इंस्ट्रूमेंट पे काम करे एज ए डिसिप्लिन्ड सोल्जर। जी जी, तो उसमें रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि उसे एक दिन किसी न किसी रस को अभिव्यक्त कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी नाटक को पढ़ के करे या किसी फिल्म के किसी दृश्य को लेके करे, है ना। हाँ। तो किसी रस की तैयारी उसकी हो जानी चाहिए। जैसे एक दिन उसने किसी रौद्र रस पे काम किया, जी जी, तो उसका अपना अभिनय का धर्म उसने निभाया। जी, उसके अलावा एक अभिनेता को संपर्क में रहना सीखना चाहिए। जी, वो कम से कम 3-4 घंटे इस पे लगाए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे दूसरे व्यक्तिगत रूप से हो, तो उसे विजिबिलिटी में रहना, उन लोगों के संपर्क में रहना जो लोग उसके प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूजफुल है, उनके संपर्क में रहना। जैसे आप मार्केटिंग कहो या नेटवर्किंग कहो, ये बहुत जरूरी है। जी, अभिनय की दृष्टि में चाहे पर्सनालिटी ब्रांडिंग कहें, कुछ भी कहें, मतलब अपने आप को लोगों के सामने रखना। हाँ, लोग मतलब प्रोफेशनल लोग, मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा कि आप पब्लिसाइज हो। जी जी, जो आप अभिनेता का काम डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स होता है या कास्टिंग डायरेक्टर्स होता है आज के टाइम में, तो इन लोगों के संपर्क में रहना। जी, उसके लिए फोन लेके, लैपटॉप लेके, या अपना मोबाइल फोन से संदेश भेजना, एसएमएस करना या व्हाट्सएप करना, ये काम उसको करते रहना चाहिए। सर, जैसे अभी बात हो रही है कि आज के युग में आपने बोला व्हाट्सएप है, फोन है, आपके समय में शायद ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी, तो क्या लगता है सर अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाना आज ज्यादा मुश्किल है या उस समय रहा होगा, या दोनों परिस्थितियां अपने में समान है? न तो पहले आसान था न आज आसान है, उसकी वजह है कई है। पहले बेशक लोग कम थे, एक्टिंग की तरफ आकर्षित होने वाले लोगों की जमात कम थी, और तरीका सीधा था, व्यक्तिगत मिलना या फोन जो लैंडलाइन था। आज लोगों की तादाद ज्यादा है, काम ज्यादा है, कंपनियां ज्यादा है, आउटलेट ज्यादा है, टेलीविजन है, सिनेमा है, एड फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उसके अलावा वेब सीरीज अब शुरू हो गई है, नेट फिल्म शुरू हो गई है, सो द मार्केट इज बिग, है ना। जरूरत लोगों की ज्यादा है, तो जरूरत लोगों की ज्यादा है, खपत भी ज्यादा है, और विधाएं भी बहुत सारी हैं, तो अनुपात में हर चीज बढ़ गया, तो संघर्ष का जो रेशियो है वो बराबर है। तो सर, आप एक अभिनेता भी हैं और एक तंत्र साधक भी हैं। तंत्र के मामलों में हमने जैसा सुना है बहुत सी भ्रांतियां फैली है समाज में, आप तंत्र को कैसे देखते हैं आज के इस युग में? देखिए, आज के युग में देखना हो या किसी भी युग में देखना हो, जी, तंत्र तो तंत्र ही है। जी, लेकिन तंत्र को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां आज के युग में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। इट इज कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। ओके, जो सच्चाई है उससे कोसों दूर किसी और दिशा में तंत्र को लेके प्रचार किया जाता रहा है, और उसकी वजहें भी हैं। असल में बहुत फंडामेंटल, मतलब इस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, पर फंडामेंटल बात यह है कि धर्म में जो साधना पक्ष है, जो प्रैक्टिकल साधना पक्ष है, जो किसी भी धर्म का जो रहस्यमय पक्ष है, वो भारतीय पद्धति में तंत्र कहलाता है। जी, जैसे इस्लामिक पद्धति में सूफिज्म है, जी, या क्रिश्चियनिटी में कावाला है, जी, ये उसका सीक्रेट साइंस है, जी, जिसके जरिए मनुष्य में एक परिवर्तन आता है, क्वालिटेटिव चेंज आता है। जी, अब देखिए, तंत्र शब्द को ही लें अगर हम ठीक से समझे, तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र बना है त से, जी, त से जो त्राण दिलाए, जी, उसको हम तंत्र कहते हैं। जी, अब त का अर्थ क्या है? क्या है? हाँ, अब ये अगेन एक लंबी व्याख्या की जरूरत है। ये जो भारत की पूरी संस्कृत वर्णमाला है, अ से लेकर क
अक्षर तक, एक एक अक्षर एक एक वृत्ति का सूचक है, एक एक एकुस्टिक रूट बोलते हैं, बीजाक्षर जी किसी वृत्ति का। तो त जो है, त अक्षर हमारे भीतर जो आलस्य है, हमारे भीतर जो तंद्रा है, हमारे भीतर जो सुषुप्ति है जी, उसका सूचक है, उसका बीजाक्षर जी। तो तंत्र यानी त से संग्राम, आपकी जड़ता से संग्राम। जब भी आप जड़ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं तो आप तंत्र के भीतर आते हैं। अब जीवन है तीन स्तर में, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, और तीनों ही स्तर में तंत्र अप्लाई किया जा सकता है जी। जब जब आप अपने तंद्रा से जी, अपनी आलस्य से संग्राम करते हैं जी, तो आप तंत्र के कंट्रोल में आ जाते हैं जी। तो ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी मनुष्य सोया हुआ है जी, आध्यात्मिक निद्रा जी। तो आध्यात्मिक निद्रा में भी जगाने में तंत्र सहायक है। किस तरह से? उसमें पूरा का पूरा कुंडलिनी का चैप्टर आ जाता है, इष्ट मंत्र का चैप्टर आ जाता है, हमारे जो नवचक्र है उसका रहस्य आ जाता है। तो उसको समझना पड़ता है, उसको विधिवत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अभी तो आप चाहो मंत्र उच्चार ऐसे ही कर लो या उपनिषद पढ़ लो, वेद पढ़ लो, तो उपनिषद के ऋषियों ने पाया है, वो आपने नहीं पाया है। आप नहीं कह सकते कि आप उपनिषद के ऋषि के बराबर पहुंच गए अगर आपने मान लीजिए ईशावास्य उपनिषद पढ़ भी लिया। उससे क्या होगा? आपके अंदर तो तब्दीली नहीं आएगी। उसके लिए आपको तंत्र साधना करनी पड़ेगी, अपनी कुंडलिनी को जगाना पड़ेगा। सर, तो ये तंत्र पे भी आपसे बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें रह भी गई जो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। सर, मन में एक सवाल था शायद जी, मैं उसी पे आ रहा था। तो सर, ये मैं जानना चाहूंगा कि आप बहुत से गुरुओं के बीच रहे, बहुत से गुरुओं को पढ़ा, आपने विवेकानंद को पढ़ा, आपने अरविंदो घोष को पढ़ा, आपने आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ा। सर, दशकों से आप काम कर रहे हैं विभिन्न ललित कलाओं में। हमने आपकी किताब पढ़ी, दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूंगा, और आप लेखन की तरफ भी बढ़ते गए। तो सर, ये कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और इस किताब के बारे में भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं, मैं मनुष्य हूं, आचार्य ललित परिमल। ये देखिए, आदमी जब विचारों से भर जाता है जी, बहुत सारी भावनाओं से भर जाता है जी, तो उसको अभिव्यक्त करना एक जरूरत हो जाती है जी, और लेखन के जरिए अभिव्यक्त करना एक तरीका है जी। तो मैंने भी वही माध्यम चुना। मैं जब अभिनय योग के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे वर्कशॉप्स करता रहा, उसी दौरान मैंने पाया कि इस पर एक विधिवत पुस्तक भी होनी चाहिए। तो मैंने नाटक के फॉर्म में अभिनय योग की बात को समझाते हुए एक नाटक बनाया जी, जो मैं मनुष्य हूँ जी कहता है। और इसमें फंडामेंटल बात वही है कि मनुष्य कौन? मनुष्य हम उसे कहेंगे जो अपने भीतर के शुभ और अशुभ को समझते हुए विवेक के रास्ते पर चले जी। हमारे जीवन में शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसका संकेत प्रकृति हमेशा देती है, और मनुष्य का मन द्वैत से हमेशा भरा ही रहता है जी। ये करूं या ये करूं, इस पथ जाऊं या उस पथ जाऊं जी। साधारण जीवन में भी देखो, शराब पीऊं या नहीं पीऊं जी। तो मनुष्य वो जो शराब पीने के पक्ष में भी सोचे और शराब नहीं पीने के पक्ष में भी सोचे जी, और फिर ये तय करे कि शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए जी। तय तो यही होगा कि शराब नहीं पीनी चाहिए जी, शुभ तो वही है जी, उससे पीकर आपको कोई फायदा नहीं होगा जी। तो ऐसे करने से आपका विवेक डेवलप होता है जी। धर्म का भी यही लक्ष्य है कि आप विवेक पूर्ण बने। हमारे जो ये चतुर्वर्ग है उसमें एक वर्ग है ना विप्र जी। तो विप्र का को अगर आप संधि विच्छेद करें जी, तो उसका यही अर्थ निकलता है विवेक प्रधान। तो मनुष्य विवेक प्रधान बने, अपने भीतर जितने भी उसकी नकारात्मक शक्तियां हैं उसको सकारात्मक बनाने के प्रयास में जो लगा है वही मनुष्य कहलाएगा। तो सर, भविष्य में वही मनुष्य देवतुल्य होगा जी। सर, ये तो लेखन की बात चल रही है, तो क्या आगे भी आप कुछ पुस्तकें या कुछ नाटक कुछ ऐसा लिख रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी जी जी, मेरा रिसर्च का विषय जो है अभिनय योग जी, और आगे चल के यही काम मैं करता रहूंगा। इसी पर अलग अलग तरह के पुस्तकें जी लिखने का मन है। अभी एक इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ जी, जो फिलोसफी ऑफ अभिनय योग कह के जी। तो उसमें मैं 10-12 चैप्टर्स में कि ये जो फंडामेंटल आइडिया है अभिनय योग का जी, ये क्या है। सर, आपसे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन हमारा समय हो चला है। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को सर से एक नए तरीके से मुखातिब कराने के लिए।
सर आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। ललित परिमो, एक अभिनेता, एक अभिनय गुरु, एक लेखक और तंत्रा स्पेशलिस्ट, बहुत जल्द ही एक नए व्यक्तित्व के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।